Good morning. Today, we will see solid shapes. Solid shapes के बारे में आज हम लोग देखेंगे. You must have noticed many solid shapes around in your daily life. आप अपने सामान्य जीवन में solid shape वाला वस्तु बहुत सारा देखते होंगे. For example, dice, glass, matchbox, eraser, ball, ice cream, glue. We know that an object that occupies a space is called a solid. सबसे पहले हम solid के बारे में जानेंगे. What is solid? What is solid? What is solid? यानी solid क्या है? कोई भी object है जो स्थान लेता है ना, जो स्पेस को कवर करता है. एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्युपाइज स्पेस, एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्युपाइज स्पेस, एन ऑब्जेक्ट that occupies space is called a solid. An object that occupies space is called a solid. For example, for examples, glass, glass, matchbox, dice, glue, glove, ball, etc. इसके अलावा भी जैसे ये सब वस्तु है, glass, matchbox, dice, glove, ball. ये इसको जहां पर भी रखेंगे ये स्थान जगह ये स्पेस कवर करती है. वी नो दैट ऑब्जेक्ट दैट ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड ए सॉलिड. ए सॉलिड शेप इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन फिगर एज ए सॉलिड शेप इज ए थ्री डायमेंशनल फिगर दैट हैव विद इट लेंथ एंड हाइट. ये सब जो सॉलिड शेप है इसका लंबाई होगा, चौड़ाई होगा. जैसे ईंट है, ब्रिक्स जिससे घर बनता है, ब्रिक ईंट है, उसका कोई सॉलिड शेप होता है ना. उसकी लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी. ए सॉलिड शेप इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन फिगर एज ए सॉलिड शेप इज ए थ्री डायमेंशनल फिगर दैट है विद इट हैंड. सॉलिड कोई भी शेप है तो उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, वह स्थान वह स्पेस कवर करती है. ग्लास, मैच बॉक्स, इरेजर, बॉल, आइसक्रीम, etc. आप लोग अपने सामान्य जीवन में बहुत सारा वस्तु देखते होंगे. इसमें बहुत सारी वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेते हैं. डाइस, ग्लास, मैच बॉक्स, इरेजर, आइसक्रीम, ग्लोब, सम ऑफ द कॉमन सॉलिड फिगर्स आर.
figures are cube. The cube में जो figure आता है ice cube, dice, ice cube, dice, cuboid, cuboid में eraser, matchbox, eraser, matchbox cylinder, LPG cylinder. LPG cylinder, the LPG cylinder, glue stick, solid shape में जैसे cube type का जो shape होता है वह ice cube, dice, cuboid में eraser, matchbox. सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर, ग्लास स्टिक, ये आप पेज नंबर 107, पेज नंबर 107, पेज नंबर 107, आज आप लोगों को सॉलिड शेप्स के बारे में बताया जा रहा है. सॉलिड शेप यानी बहुत सारा वस्तुएं हैं उसका कोई निश्चित लेंथ विदित होता है, उस वस्तु की निश्चित एक लंबाई चौड़ाई होती है, वह स्थान वह प्लेस यानी स्पेस कवर करती है. डैश, ग्लास, मैच बॉक्स, इरेजर, बॉल, आइसक्रीम, ग्लोब. We know that an object that occupies a space is called a solid. A solid shape is different from the plane figure. As a solid shape is a three-dimensional figure that has विदित length and height. Some of the common solid figures are, जैसे cube type का जो solid figures है उसमें ice cube, dice, cuboid type का है उसमें eraser, matchbox, सिलेंडर. सिलेंडर टाइप का जो सॉलिड फिगर है वो अपने अपने आप लोग अपने अपने घरों में जो गैस सिलेंडर देखते हैं. ग्लू स्टिक कोन में जैसे बर्थडे कैप, आइसक्रीम, ये कोन है. स्फीयर ए ग्लोब, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल. कोन में आपका आ जाता है बर्थडे कैप, बर्थडे कैप, आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन, स्फीयर. स्फीयर में इसमें हो जाता है एक ग्लोब, एक ग्लोब, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, एक ग्लोब, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल. These are examples of a sphere, a globe, football, cricket ball, ये कौन है आइसक्रीम कौन इस टाइप का.
क्यूब सॉलिड फिगर्स में आइस क्यूब डाइस देख लेते हैं। Y इरेजर मैच बॉक्स इरेजर मैच बॉक्स सिलेंडर सिलेंड्रिकल सेल जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर, ये आपका सॉलिड फिगर में सिलेंड्रिकल सेल हुआ। ग्लू स्टिक ग्लू स्टिक सिलेंड्रिकल सेल कोन कोन जैसे बर्थडे कैप आइसक्रीम कोन स्फीयर स्फीयर एग्लो फुटबॉल क्रिकेट बॉल ग्लोब फुटबॉल क्रिकेट बॉल These are the some examples of solid figures. Solid figures में बहुत सारा shape होता है, cubical, cube type का figure, cuboid, cylindrical, cone, sphere. Cube type में जो solid figure होता है उसमें जैसे हम लोग देखते हैं dice, ice cube, cuboid, इसमें eraser, matchbox. सिलेंडर आप लोगों के घर में जो गैस सिलेंडर है एलपीजी गैस सिलेंडर ग्लू स्टिक ये सिलेंड्रिकल शेप है कोन बर्थडे कैप आइसक्रीम कोन स्फीयर स्फीयर टाइप का जो सॉलिड शेप
का जो वस्तु है वह है फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ग्लोब, ये आपका स्फेरिकल सॉलिड शेप वाला ऑब्जेक्ट हुआ। ए सॉलिड हैज आइदर प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस। अब ये मैच बॉक्स या इरेजर या ब्रिक्स यानी ईंट जिससे घर बनते हैं, तो ये आपका फ्लैट सरफेस वाला सॉलिड ऑब्जेक्ट हुआ है ना। और कर्व्ड सरफेस जैसे क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ये सब आपका कर्व्ड सरफेस वाला ऑब्जेक्ट हुआ, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ग्लोब। ए प्लेन सरफेस इज ए फ्लैट सरफेस लाइक दैट ए मैच बॉक्स, एन इरेजर, ए डेस्क और ए नोटबुक। ये आपका फ्लैट सरफेस वाला सॉलिड ऑब्जेक्ट हुआ। और कर्व्ड सरफेस में बॉल, बैलून, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये इसका जो शेप होता है ये सॉलिड शेप तो है ही, लेकिन कर्व्ड सरफेस वाला यह सॉलिड शेप है। ए कर्व्ड सरफेस इज ए कर्व लाइक दैट ए बॉल और ए बैलून और ए क्रिकेट बॉल और ए फुटबॉल और ए ग्लोब। ये सब जो सॉलिड शेप है यह कर्व्ड सरफेस होता है इसमें, यानी कर्व सरफेस वाला जो सॉलिड शेप्स है इसका एग्जांपल हुआ ग्लोब, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बॉल, बैलून्स। ए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हैड बोथ द प्लेन सरफेस एज वेल एज कर्व सरफेस। जैसे सिलेंड्रिकल शेप वाला जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसमें कर्व सरफेस भी होता है और प्लेन सरफेस भी होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें आपका कर्व सरफेस भी है नीचे और ये बीच में आपका ये फ्लैट सरफेस है, ये बीच में आपका फ्लैट सरफेस है और इसके नीचे और ऊपर निचली भाग यानी बॉटम और टॉप दोनों जगह का जो शेप है यह क्या है, कर्व सरफेस वाला शेप है। ए कर्व ए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हैज बोथ द प्लेन सरफेस एज वेल एज कर्व सरफेस। सॉलिड शेप्स विथ कर्व्ड सरफेस कैन रोल डाउन ऑन ए स्लोप। सॉलिड शेप्स विथ प्लेन सरफेस कैन स्लाइड डाउन ए स्लोप। ये आपका सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में जैसे प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस दोनों होता है, वैसे ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, सरफेस पर वह आसानी से जो है वह एक जगह से दूसरे जगह उसको हम पुल या पुश करते हैं तो वह चला जाता है। मीन्स सॉलिड शेप्स विथ कर्व सरफेस कैन रोल डाउन ऑन ए स्लोप। सॉलिड शेप विथ प्लेन सरफेस कैन स्लाइड डाउन ऑन ए स्लोप।
प्लेन सरफेस, ये टॉप या बॉटम पार्ट आपका प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। टॉप बॉटम के बाद ये बीच वाला ये सेम ऑब्जेक्ट है, ये पहले कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस मींस ए सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट हैज बोथ द प्लेन सरफेस एज वेल एज कर्व्ड सरफेस। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है बोथ द प्लेन सरफेस एज वेल एज कर्व्ड सरफेस। ये आपका सॉलिड सेट्स में जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, तो ये सब का फिगर ड्रॉ करके और आप लोग ये सॉलिड फिगर में क्यूब टाइप का जो सॉलिड फिगर है या क्यूबाइड टाइप का या सिलिंड्रिकल टाइप सॉलिड फिगर्स या कोन टाइप सॉलिड फिगर्स या स्फीयर टाइप सॉलिड फिगर, आप लोग भी इसको है ना सभी एग्जांपल्स को सेट को ड्रॉ कीजिएगा सॉलिड शेप में। जो फ्लैट सरफेस है या कर्व सरफेस वाला ऑब्जेक्ट है उसको आप लोग ड्रॉ करके देखिएगा, और ये जो प्लेन सरफेस है या कर्व सरफेस है ये दोनों में डिफरेंस बताया गया है। ऑलवेज रिमेंबर सॉलिड शेप्स विद कर्व सरफेस कैन रोल डाउन ऑन ए स्लोप। सॉलिड शेप विथ प्लेन सरफेस कैन स्लाइड डाउन ऑन ए स्लोप। आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।